तो थैलेसेमिया के बाद में बारे में अपन ये कह सकते हैं कि ये पांडु है ना, और पांडु के जो प्रकार ग्रंथों ने दिए उसके हिसाब से अगर बोले तो पांडु ये आमाशय का रोग है, आमाशय के बहुत रोग है, उसमें पांडु आमाशय का रोग है। उसमें यकृत और प्लीहा ये दोनों दुष्ट होती है। यकृत प्लीहानो प्राप्य रागम उपैति ऐसा लिखा है, यानी कि जो रस धातु है वो यकृत और प्लीहा में जब जाता है, जब उसको रंग प्राप्त होता है, जब तक कि वो कलर आता नहीं उसको, इसलिए कलर लाल कर रहा आएगा जब वो रक्त बनता है, जब तक के तो रस ही होता है। इसलिए पहली बात तो एक ख्याल रखने को ना कि पांडु यानी कि रक्ताल्पता यही खाली नहीं है तो उसको संप्राप्ति होती है। तो उसमें दूसरा सूत्र जो दिया है शास्त्रकारों ने, वो सूत्र ऐसा है कि आमाशयाश्रयम पित्तम रंजकम रसरंजना। आमाशय का जो पित्त है वो रंजक पित्त होता है और वो रस को रंजन करता है, यानी कि उसको कलर देता है, रंग देता है। जब उसका रक्त बनता है, जब तक कि बनता नहीं, ये ख्याल रखना। कब नहीं बनेगा ऐसा अपन जब सोचेंगे तो श्रोतोरोध के बाद में नहीं कलर आ सकता। अगर यकृत दुष्टि है, कफ की वजह से ये और पित्त की वजह से भी हो सकती है, वात की वजह से भी हो सकती है, क्षीणता की वजह से भी हो सकती है, कुछ भी कारण अगर हो भी तो भी जो रंग आएगा वो रंजक पित्त से आएगा और उसका कारण कफ पित्त वात तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं ऐसा है। तो थैलेसीमिया की या सिकल सेल एनीमिया है ना, या इसमें जब पेशेंट अपने पास आते हैं तो सोचना चाहिए कि यकृत प्लीहानो प्राप्त रागम उपैति और आमाशयाश्रयम पित्तम रंजकम रसरंजना। क्योंकि आधुनिक शास्त्र वाले बोलते हैं कि वो ये ठीक नहीं होने वाला, बरोबर है ना, हाँ ये दोनों में से ठीक नहीं होते। तो इसलिए सिकल सेल एनीमिया के बारे में तो और भी ज़्यादा बोलते हैं कि भाई वो तो बनता ही नहीं शुरू से, पहले से ही खून कम बनता है, यानी कि हेमोग्लोबिन बनता ही नहीं, बहुत कम बनता है। तो एक कम हेमोग्लोबिन में रहने की उनको आदत हो जाती है तो उसी में ज़िंदगी काटते हैं, ऐसा है। तो ऐसा सिकल सेल एनीमिया में, थैलेसीमिया में इतना नहीं है तो भी जो कुछ है तो रक्त क्षीणता, रक्ताल्पता ये दोनों बातें आती है, साथ में ही आती है। रक्त क्षीणता यानी कि धीरे धीरे कम होते जाता है, और रक्ताल्पता पहले से होती है लेकिन बाद में जब भी कुछ बीमारी आ जाती है, बुखार आ जाता है, मलेरिया हो जाता है तो और भी कम हो जाता है। तो फिर वहाँ से उसके विषैले परिणाम से जो रक्ताल्पता आती है उसको थैलेसीमिया कहते हैं, ऐसा है। तो ये देखो, एक नवसारी करके गुजरात में एक बड़ा गांव है, बड़ा शहर है। तो नवसारी से एक बेचारा लोहार करके शिक्षक था, टीचर, वो अपने बच्चे को 7 साल के लेके आया और उसको बिल्कुल 15-15 दिन में खून देना पड़े, बहुत मुश्किल की बात। डॉक्टर ने बोला कि इसको तो 15 दिन में देना ही पड़ेगा खून, 2-3 मरतबा दिया तो मास्टर कितने दिन दे सकता है, खून के लिए पैसे भी तो लगते ना। तो फिर वो बहुत मुश्किल से किसी ने कहा उसको कि तुम धुलिया जाओ, कुछ तुम्हें काम हो जाएगा तुम्हारा। अपन ने ये सोचना नहीं, वो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको थैलेसीमिया हो गया, इसको सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सोचने की अपनी की ज़रूरत नहीं। अब क्योंकि अपना जो प्रोफार्मा है सब वो अलग से, वात पित्त कफ रसा श्रृंग मांस मेदोस्थि मज्जा शुक्राणु धात्वा आणि 3 मन बस खलास, इसमें ही बैठाने का हो, ये इसमें कहीं गड़बड़ है क्या, वो देखना, वो रेगुलर दुरुस्त करता, वो जो मैकेनिक होता है मोटर वो देखता है, अरे इसका साइलेंसर खराब हो गया क्या, तो फिर निकाल देता है, वो साफ सुफ करता है, फिर बैठा देता है। फिर बाद में कार्बोरेटर की तरफ देखता है, अरे कार्बोरेटर खराब है क्या, तो फिर कार्बोरेटर की तरफ देखता है, वो साफ सुफ करता है, वो लगा देता है। इसी हिसाब से अपने को श्रोतोरोध कम करना है, ये ख्याल रखना। वो श्रोतोरोध जब कम करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये जो उनको
देना पड़ता था खून 7 दिन के बाद, 7 बरस का लड़का और 15-15 दिन में खून देना पड़े, बहुत मुश्किल में से बेचारे आ गए। तो मैंने सोचा ये क्यों खून नहीं बनता होगा, तो अपने शास्त्र में ये 2 सूत्र तो है ही, आमाशय स्रम पित्तम रंजकम रसरंजनात, और दूसरा सूत्र ये है कि यकृत देहानो प्राप्त रागम उपैति, ये दोनों बात सूत्र है। तो फिर उसको तो खून बनने को होना, क्यों नहीं बनता देखा, तो पूछा उसको, अरे भैंस का दूध पिलाते थे बोले तो श्रोतोरोध हो नहीं जाएगा, तो ऐसी गड़बड़ हो जाएगी। तो उसका कारण होता है, ये कारण आधुनिक शास्त्र वाले मान्य नहीं करते, वो बोलते हैं कि ये हो गया है अभी ये दुरुस्त होने वाला नहीं है। ऐसा अपन सोचते हैं अरे श्रोतोरोध है तो वो तो कंपनी वाला ही है ना। ऐसा जैसा कि एक उदाहरण के तौर पर डायबिटीज हो जाता है तो ये बी सेल्स करके एक आइसोलेशन करते आते और सब 150,000 इतने सेल्स होते हैं वो इंसुलिन बनाते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं बी सेल्स, और ए सेल्स वो बनाते नहीं लेकिन उधर रखते हैं, वाई सेल से तीन सेल उसमें होते हैं 4 सेल तो भी इंसुलिन बनती है, और इंसुलिन बनती है इसकी वजह से वो कम बनती है, और कम बनती है तो फिर इंसुलिन पर्याप्त नहीं होता तो उसके लिए डायबिटीज़ हो जाता है। ऐसे आसान बात वो तो कोई भी करेगा उसका कुछ नहीं, लेकिन ये इंसुलिन क्यों बनता नहीं इसके तरफ ध्यान देने को ना, वो देखते नहीं, खाली इससे बनता नहीं बस इतना ही ध्यान देते, उसके पीछे जाने को ना क्यों क्या कारण हो गया भाई, पहले बनते थे और अभी नहीं बनते, क्या पहले से नहीं बनते, जुवेनाइल डायबिटीज़ को ऐसा ही होता है ना, शुरू से भी बनते नहीं ऐसा या कम बनते, इसी हिसाब से काम चलता है। तो फिर निदान करने के बाद ये ख्याल रखने को ना कि भाई उसका कारण भी तो है, निदान पूर्व रूप रूप उपशय संप्राप्ति ऐसा है। तो हमने क्या किया, वो बच्चे को पहले दूध पिला दिया, वो तो दूध पीता ही था, उसकी तकलीफ थी तो भी दूध पिला दिया और मदन फल दे दिया, यही बैठा है उसको, और उसको 4-5 उल्टियाँ हुई अच्छी तरह से, मदन फल देने के बाद बहुत कफ निकल गया। बच्चों को स्नेहन देने की ज़रूरत नहीं होती, स्नेहन न देने से क्या हुआ तो पित्तान तक बच्चों को पित्त पड़ता है, वो आगे चलकर पता चलेगा, आप जब वमन वगैरह देंगे किसी को तो वो आप पित्तान तक वमन हो गया उसको, यानी कि यकृत में जो श्रोतोरोग था पित्त निकलने के बाद वो बिल्कुल कम हो गया, नहीं तो फिर वो पित्त बाइल्स में जाके फिर सब शरीर में घूमता है और कौलू यानी कि कामला बनाते हैं श्रोतोरोग, तो वही कामला अगर न बनते हुए वो जो पित्त निकल गया और सब श्रोतोरोग कम हो गए, सब पित्त अंदर में आने लगा, अंदर में आने लगा तो उसको भूख लगी तो अनाज खाया तो अपने आप खून बनने लगा, उसको दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसके साथ, ये तो मंडल वगैरह देते ही अपन उसका कुछ नहीं, लेकिन उसमें आरोग्यवर्धिनी कुमारी असव पुनर्नवा मंडूर है ना, और त्रिफला और उसके साथ हल्दी, ये प्रयोग हमने शुरू किया उसको, और आगे चलकर एक मर्तबा भी उसको खून देना नहीं पड़ा, फिर ठीक हो गया कि नहीं वो तुम्हारा थैलेसीमिया, यानी कि सोचने की बात तुम यही रखो कि ये आयुर्वेद की संप्राप्ति इसको ठीक करने के लिए होना है, अगर आयुर्वेद के बात में नहीं सोचेंगे तो बोले वो तो थैलेसीमिया है वो तो ठीक नहीं होता, सिकल सेल एनीमिया है वो भी ठीक नहीं होता, ऐसे ही करेंगे ना दूसरा क्या करेंगे, मुश्किल है। ये चिकनगुनिया के बारे में भी वैसा ही हुआ, अरे चिकनगुनिया के बारे में वो तो जंतु से होता है, जंतु डास डालते हैं अंदर में, और डास डालते तो डास अलग तरीके का होता है, तो फिर वो तो उसके लिए तो दवा ढूंढी नहीं गई, क्या करें, मुश्किल है, अपन उसको सोचते नहीं। सुश्रुत कल्पस्थान अध्याय चौथा श्लोक 15-16 इसमें 18 प्रकार के डाल दिए हैं, और वो कीटलूतादि ऐसा अध्याय है, और कीटलूतादि में जो विषारी जंतु है सब वो जब अंदर में विष डालते हैं शरीर में तो वो कैसा निकालना, इसका तरीका उन्होंने बतलाया कि वो अगर विषैली चीज़ है तो शरीर बाहर निकाल देने की कोशिश करता है, तो उससे कोशिश में पहले ठंडी आ जाती है यानी कि थुड़थुड़ाता है ज़रा ज़ोर से,
ठंडी आ जाती है तो वो सोचता है कि भाई ये प्रयत्न हो गया पूरा उसका। प्रयत्न होने के बाद वो सब पित्त या कुछ जो भी सारी चीज़ है वो आमाशय में जाती है। आमाशय यानी कि अपन आमाशय नाभि स्थानांतर जंतु का आमाशय की स्मृता ऐसा करते करके आमाशय वो लेने तो यकृत में जाते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, बाइल्स में जाता है। फिर वहाँ से वो बाइल्स के रास्ते से अंतकोष्ठ में यानी कि आमाशय में पश्चिमाशय में जहाँ भी पित्त वो आता है वह आ जाता है। तो फिर रेगुलर उसकी सिस्टम शुरू हो गई कि नहीं, स्रोतोरोध कम हो गया, बस भाई यही काम होता है। कुमारी आसों से लीवर ठीक होता है, पुनर्नवा से सूजन कम होती है, पेशाब के रास्ते जो कुछ दोष बने हुए होते वो भी धीरे धीरे निकल जाते हैं। और शीतोपराधि चूर्ण देना है, शीतोपराधि चूर्ण से वो ताकत बढ़ती है। शीतोपराधि चूर्ण आधा चम्मच शीतोपराधि चूर्ण भी लो तो भी एक सलाइन की बाटली के बराबर उसकी ताकत बढ़ती है, मतलब इतना स्ट्रांग है शीतोपराधि। अगर कोई डिहाइड्रेट होता है तो शीतोपराधि चाटना शुरू करो तो 15 मिनट में इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा कि उसके लिए ज़्यादा नहीं। तो फिर कॉलरा और या कुछ डायरिया हो जाता है तो फिर ज़्यादा बाटलियाँ देना पड़ती है तो भी करेक्ट होता नहीं। इसका कारण है कि पानी अंदर में जाता है और निकल भी जाता है, लेकिन उसको पानी अंदर में सब शरीर को पहुँचना और ये एब्सॉर्ब होना धातु घटक में ये होता नहीं, वो खाली शीतोपराधि से होता है। क्योंकि शीतोपराधि में जो पिंपरी है वो अग्निवर्धक है, जो कुछ भी चीज़ अग्निवर्धक होती है वो अग्निवर्धक चीज़ उसको खून बनाती है, ऐसा है ये। नहीं तो फिर वो फिर से डिहाइड्रेशन वो कम होगा ही नहीं, इसलिए शीतोपराधि से जल्दी डिहाइड्रेशन कम हो जाता है। हम सोचते हैं हमेशा अनुभव भी पाते हैं कि भाई एक चम्मच अगर शीतोपराधि चूर्ण है वो एक बाटली सलाइन के बराबर होता है इसी हिसाब से। तो उसको हमने वो बच्चे को ऐसी तरह से बमन और दवा ले ली तो फिर एक महीने के बाद में फिर से आ गया तो बोले कि अभी तक तो मुझे हमें देना नहीं पड़ा खून, और बच्चा अच्छा खेलता है काफ़ी ठीक है, और खून भी देखा तो काफ़ी 4 ग्राम 4.5 ग्राम 5 ग्राम तक तो आया गया, फिर आगे चलकर 7 ग्राम 9 ग्राम 12 ग्राम तक आ गया। और जब 20 बरस का हुआ तो यहाँ आके मुझे बता कि गया अभी आया गए साल तो वो आ गया तो ये लाल बूंद 12 ग्राम रहता बोले, ना अभी मुझे कुछ तकलीफ नहीं। ये जो बात साइंस की बात है, और साइंस इसलिए अपन सोचना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से कि साइंस के बारे में सोचना चाहिए। ये यहाँ तक के अपने काम किया पर आगे चलकर क्या है भाई, पीछे जाने को ना, क्यों ऐसा हुआ, सिकल से एनीमिया क्यों हुआ, उधर क्यों हुआ, अर्शक क्यों हुआ, उसके लिए कारण ये है। और कारण को एक शब्द अच्छा दिया है उन्होंने, निदान, मतलब यानी कि वही निदान है ऐसा शब्द, ऐसा ना वो निदान है तो कारण भी है, और वो जो कारणान विधायित्वाद कार्याणाम तत्स्वभावता इसी हिसाब से काम चलता है। तो अपन सोचने की बात नहीं है कि वो सिकल सेल एनीमिया है अभी क्या करना है,